नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में लग रहे हैं कपड़ा और खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र। सरकारी शिक्षकों को दी जाएगी स्पेशल ट्रेनिंग। 68वीं यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में जुटा आयोग। स्वच्छता ही सेवा के लिए बिहार को केंद्र से मिला दूसरा पुरस्कार। सूर्य कुमार यादव को मिलना चाहिए था प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में लग रहे हैं कपड़ा और खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र। बियाडा के औद्योगिक क्षेत्रों में लैंड आवंटन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। विशेष रूप से सिकंदरपुर और बिहटा औद्योगिक क्षेत्र में कपड़ा और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए भूमि आवंटन खोला गया है। जानकारी के मुताबिक खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां शुरू करने के इच्छुक निवेशक यहां जमीन आवंटन करा सकते हैं। इसी तरह मेगा फूड पार्क मुजफ्फरपुर में भूमि आवंटन के लिए 103 एकड़ भूमि है। इसी तरह बियाडा की एक बैठक में स्टार्टअप जोन चनपटिया में बिहार राज्य खाद्य निगम के 2 गोदामों में निवासी 1808 वर्ग फीट भूमि 49 आवेदकों को लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट पॉलिसी के तहत आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। सरकारी शिक्षकों को दी जाएगी स्पेशल ट्रेनिंग। बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को अब ड्यूटी करने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब वे अपने गृह जिले में अपना ट्रांसफर करा सकते हैं। दरअसल सभी स्कूलों के प्रभारी प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक और शिक्षकों की 3 महीने की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको बता दें कि बिहार के अलग अलग 79 बुनियादी स्कूलों के प्रिंसिपल्स ने निरीक्षण शाखा में जबकि 24 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों ने निरीक्षण से शिक्षण शाखा में अपना ट्रांसफर कराने के लिए एप्लीकेशन दिया है। निदेशक ने आदेश में कहा कि वे लोग अपने गृह जिला में ट्रांसफर कराने का ऑप्शन दे सकते हैं जिनकी 30 सितंबर 2023 तक 1 साल की या उससे कम की सेवा बची है। पहले चरण के निकाय चुनाव को लेकर ऊहापोह की स्थिति बरकरार। बिहार में हो रहे नगर निकाय चुनाव के आरक्षण को लेकर फंसे कानूनी पेच के कारण पहले चरण के निकाय चुनाव को लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। बता दें कि बिहार में नगर निकाय चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश का पालन नहीं करने को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिसके बाद पिछले 29 सितंबर को ही सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को कहा था कि वह चाहे तो पहले चरण के निकाय चुनाव की तारीख यानी 10 अक्टूबर को बढ़ा सकती है। नगर निकाय चुनाव को टालने या डेट बढ़ाने पर राज्य निर्वाचन आयोग ने कोई निर्णय नहीं किया है। आयोग के ओएसडी द्वारा सभी जिलाधिकारियों को लिखे गए पत्र से यही स्पष्ट हो रहा है कि हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है और कोर्ट के फैसले के मुताबिक आगे कार्रवाई की जाएगी। 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में जुटा आयोग। बिहार लोक सेवा आयोग ने 67वीं प्रारंभिक परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित कर राहत की सांस ली है, जिसके बाद आयोग 68वीं संयुक्त परीक्षा को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। अगले साल होने वाले परीक्षा को लेकर बीपीएससी जल्द ही अधिसूचना प्रकाशित करने जा रही है। आयोग के सचिव सह परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि बिहार लोक सेवा आयोग की नई वैकेंसी 68वीं संयुक्त परीक्षा के लिए अक्टूबर के अंत तक विज्ञापन आएगा। इसके लिए अब तक विभिन्न विभागों से लगभग 200 रिक्तियों की सूचना आ चुकी है। 68वीं बीपीएससी के लिए अक्टूबर के अंत तक विज्ञापन एवं जनवरी 2023 में पीटी का आयोजन किया जाएगा। पटना में छेड़खानी करने पर होगी जेल। दुर्गा पूजा के दौरान पंडालों या सड़कों पर छेड़खानी करने पर सीधे जेल की हवा खानी पड़ेगी। भीड़ भाड़ का फायदा उठाकर असामाजिक तत्व छेड़खानी करते हैं, लेकिन इससे निपटने के लिए अब महिला व पुरुष पुलिसकर्मियों के सादे वेश में तैनाती की गई है। साथ ही तमाम पंडालों में इस बार सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। इसके अलावा पुलिस के साथ ही पंडाल के कार्यकर्ताओं को भी यह हिदायत दी गई है कि वे इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि महिला व पुरुष अलग अलग कतार में दर्शन करें। अगर किसी के साथ छेड़खानी या किसी प्रकार की घटना होती है तो तुरंत ही वहां प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों को इसकी जानकारी दे सकते हैं। इसके साथ ही डायल 100 और 112 पर भी सूचना दे सकते हैं। इसके अलावा एसएसपी, सीटीएसपी, डीएसपी या संबंधित थानाध्यक्ष को भी फोन कर जानकारी दे सकते हैं। स्वच्छता ही सेवा के लिए बिहार को केंद्र से मिला दूसरा पुरस्कार। गांधी जयंती के अवसर पर नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित स्वच्छ भारत दिवस समारोह में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के बेहतरीन संचालन के लिए बिहार को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया। बता दें कि पहले स्थान पर कर्नाटक रहा। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ भारत दिवस समारोह की मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रही। बिहार द्वारा 10 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता संबंधित कार्य तथा जन जागरूकता की गतिविधियों यथा गांव में सफाई अभियान का संचालन, पौधारोपण, श्रमदान, स्वच्छता शपथ, आम सभा, जुलूस, रैली आदि में लाखों लोगों ने भाग लिया। जीविका दीदियों, छात्रों, ग्राम पंचायत सदस्यों सहित हर समुदाय के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस कारण ही बिहार को द्वितीय पुरस्कार मिला। अब वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करेंगे सफाई कर्मी। इंदौर की तर्ज पर राजधानी पटना में भी सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए नगर निगम द्वारा नई तैयारी की जा रही है। इसके लिए नई व्यवस्था लागू की जा रही है। नई व्यवस्था के तहत अब निगम के
अधिकारी से लेकर सफाई कर्मी वॉकी टॉकी से कनेक्ट रहेंगे ताकि कहीं कचरा जमा होने पर उसकी तुरंत जानकारी मिल सके। इसके लिए नगर निगम ने 150 वॉकी टॉकी की खरीद की है। पूरे पटना में इसका रेंज कवर होगा। एजेंसी के द्वारा ही वॉकी टॉकी का 3 साल तक मेंटेनेंस किया जाएगा। इसके लिए निगम के कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी। गया के छात्र अब फ्री में करेंगे सिविल सर्विस की तैयारी। बिहार के गया के पंचानपुर स्थित दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए स्थापित निःशुल्क कोचिंग की शुरुआत होने जा रही है। यह कोचिंग अक्टूबर से शुरू की जाएगी। कोचिंग में नामांकन के पहले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए प्रवेश आयोजित की गई थी। प्रवेश परीक्षा में 149 उम्मीदवारों में से 98 उम्मीदवारों का पहले ही नामांकन हो चुका है। 2 सीटें अभी भी रिक्त हैं। निःशुल्क कोचिंग को चलाने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा 7 अक्टूबर 2022 को योग्य उम्मीदवारों का साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। बिहार के आंधी व ठनके को लेकर अलर्ट। IMD पटना के पूर्वानुमान के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में चल रहे मौसम में उथल पुथल का सीधा असर बिहार पर पड़ने की संभावना है। 4 और 5 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में आंधी पानी के साथ ठनके की भी आशंका है। IMD के मुताबिक बारिश की शुरुआत 3 अक्टूबर से ही प्रारंभ होने की संभावना है। IMD की चिंता विशेष रूप से ठनके को लेकर है। इसके लिए उसने सतर्क भी किया है। मौसमी प्रभाव को देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तारकिशोर प्रसाद ने कहा महागठबंधन सरकार की उल्टी गिनती शुरू। बीते रविवार का दिन बिहार की सियासत में काफी हलचल रही। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के इस्तीफे में विपक्ष को बोलने का मौका दिया। इस बीच पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने महागठबंधन सरकार को लपेटे में लिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार सीएम से पीएम बनने के चक्कर में बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि पहले से ही सुधाकर सिंह सरकार की विफलताओं का पर आवाज बुलंद कर रहे थे। अब उन्होंने इस्तीफा देकर इस बात को साफ कर दिया है कि आगे सरकार के ही कई मंत्री सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने के लिए तैयार है। सुधाकर सिंह के भाजपा में शामिल होने को लेकर तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि यह केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, लेकिन फिलहाल बिहार सरकार अस्थिरता के दौर से गुजर रही है, जो विकास के लिए शुभ संकेत नहीं है। बीजेपी मंत्री के तबादले को RJD के मंत्री ने किया। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में अब नए सिरे से CO और DCLR की ट्रांसफर पोस्टिंग होगी। पुरानी अधिसूचना को रद्द कर दी गई है। इस तबादला आदेश के रद्द होने से जिन पदाधिकारियों की पहले से इस मामले में कोई पैरवी लगाई थी वह सभी धड़ी रह गई है। बता दें कि भाजपा के तत्कालीन मंत्री के कार्यकाल में 30 जून 2022 को 149 CO समेत अन्य पदाधिकारियों का तबादला किया गया था, परंतु इसमें महज 50 पदाधिकारी ही ऐसे थे जिनका 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ था। इस मामले के प्रकाशित होने के बाद मुख्यमंत्री सचिवालय स्तर पर इसकी समीक्षा की गई और गड़बड़ी सही पाए जाने पर पूरे तबादला आदेश को 8 जून 2022 को रद्द या निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया गया है। संजय जायसवाल बोले नीतीश से डरते हैं तेजस्वी। बिहार में महागठबंधन की सरकार को ठीक से 2 महीने भी पूरे नहीं हुए कि बीजेपी लगातार अपने पुराने सहयोगी नीतीश कुमार पर हमला बोल रही है। इस सियासी जंग में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल एक बार फिर कूद पड़े हैं। नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, इसलिए तेजस्वी यादव उनसे डरते हैं। संजय जायसवाल ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से कहा कि तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार से डरना लाजमी है। नीतीश कुमार कब पलटी मार जाएंगे या ऊपर वाला भी नहीं जानता। साथ ही उन्होंने एक बार फिर से साफ कर दिया कि भाजपा अब किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को वापस नहीं लेगी और 2024 चुनाव के बाद राजद कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग के लिए उनका आश्रम खुलवा कर रहेगी। इससे पहले भी उन्होंने तेजस्वी यादव को कई बार अलर्ट किया है कि नीतीश कुमार से बचकर रहें, वे कभी भी पलटी मार सकते हैं। सूर्य कुमार यादव को मिलना चाहिए था प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच T20 मैच बेहद रोमांचक रहा, जिसमें टीम इंडिया ने 16 रन से जीत दर्ज कर ली और 3 मैचों की T20 सीरीज में 2-0 से अपना अजय बढ़त हासिल कर लिया। मैच में जीत के बाद KL राहुल को प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया, जिसके बाद KL राहुल ने कहा कि मुझे आश्चर्य हो रहा है कि मैन ऑफ द मैच का खिताब मुझे क्यों दिया गया, ये तो सूर्य कुमार यादव को मिलना चाहिए था। उन्होंने पूरे खेल को बदल दिया क्योंकि मध्य क्रम में बल्लेबाजी करते हुए मैंने महसूस किया कि ये कठिन है। वहीं DK को ज़्यादा गेंद खेलने को नहीं मिलती, लेकिन जितना भी उन्होंने खेला वो असाधारण थे। यही नहीं, विराट कोहली और सूर्या ने भी बीच में गजब की बल्लेबाजी की। बिहार में पेट्रोल डीजल के जानिए क्या है दाम। बिहार में पेट्रोल डीजल की कीमत में उतार चढ़ाव जारी है। तेल कंपनियों ने सोमवार 3 अक्टूबर को पेट्रोल और डीजल के रेट जारी कर दिए, जिसके मुताबिक आज पेट्रोल के दाम में 36 पैसे और डीजल में 34 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश में आज पेट्रोल 108 रुपये 87 पैसे प्रति लीटर और डीजल 95 रुपये 54 पैसे प्रति लीटर है। वहीं पटना में आज पेट्रोल 107
₹59 प्रति लीटर और डीजल ₹94.36 प्रति लीटर है। यहाँ पेट्रोल के दाम में 35 पैसे और डीजल में 32 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि देश की 3 ऑयल मार्केटिंग कंपनी HPCL, BPCL और IOCL प्रतिदिन सुबह 6 बजे के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमत रिवाइज करती है। नई दर की जानकारी इन तेल कंपनियों की वेबसाइट से ली जा सकती है। इसके अलावा मोबाइल फोन पर SMS के जरिए भी पेट्रोल और डीजल के दाम चेक किए जा सकते हैं। देश भर में आए 5,000 से कम कोरोना के मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज यानी सोमवार को जारी किए गए कोरोना रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में COVID-19 के 3,375 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बिहार की बात करें तो यहां बीते दिन जारी किए गए पिछले 24 घंटे के आंकड़ों के अनुसार कोरोना संक्रमण के मामले में मामूली कमी आई है, जिसके बाद राज्य भर में कुल 31 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। वहीं राजधानी पटना की बात करें तो यहां सबसे अधिक 11 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल 84,139 कोरोना सैंपल की जाँच की गई है, जहाँ 48 मरीज ठीक होकर घर भी वापस लौटे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कुश कुमार यादव, उमेश ऋषिदेव, नुनू कुमार, पवन सिंह, अनवर करीम खान, कविता कुमारी, राजकुमार प्रसाद, शंकर मुखिया, राजीव कुमार, मुट्टू रंगीला, बाबूलाल मरांडी, भान प्रकाश मौर्य, मोहम्मद नौशाद रजा, कुमार कौशल सिंह, संजीत कुमार सुमन। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि बिहार में लग रहे कपड़ा और खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र से यहाँ के लोगों को कितना लाभ होगा। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार के तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।